हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बीते डेढ़ दो महीने से ये रिपोर्ट आने शुरू हुए थे कि कुछ भारतीयों को बहला फुसला के और कुछ को जबरदस्ती के रशिया यूक्रेन वॉर का हिस्सा बना दिया जाता है, जहां पे उनको फोर्सफुली रशिया के आर्मी में रिक्रूट किया जाता है और उनको यूक्रेन के खिलाफ लड़ने को बोला जाता है। जैसे ही ये न्यूज पब्लिक डोमेन में आता है और मीडिया हाईलाइट होता है, वैसे ही जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री होते हैं वो एक्टिव होते हैं और इस स्कैम के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन सेटअप करते हैं ताकि और जानकारी मालूम पड़े। इसी बीच द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, जहां पे ये बताया गया है कि धार मध्य प्रदेश की एक पार्षद है, जिनके ये सुपुत्र जिसका नाम शुयस है, इसका काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन है। ना कि सिर्फ एक्टिव पार्टिसिपेशन है बल्कि सीबीआई के हिसाब से ये प्राइम अक्यूज्ड है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे और हम समझेंगे कि द इंडियन एक्सप्रेस में और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मगर आगे बढ़ने से पहले, आपको ये वीडियो मेरा एफर्ट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। ये है द इंडियन एक्सप्रेस का 13 मार्च का आर्टिकल, जहां पे सीबीआई के रडार पे ये कॉर्पोरेटर का बेटा है, यानी कि शुयस है। और जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ है, ना कि ये अक्यूज्ड है बल्कि ये प्राइम अक्यूज्ड है। कहने का मतलब है कि ये जो स्कैम हो रहे थे उसका ये सरगना था। अब किस तरीके से जो मासूम भारतीय थे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में काम कर रहे थे या किसी भी कारण से अगर कोई रशिया घूमने के लिए गए थे, तो उनको बहला फुसला के और कुछ को जबरदस्ती के रशिया यूक्रेन वॉर में उनको ढकेल दिया जाता है। अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, अब ये इस दुनिया में नहीं है। इनका कसूर कुछ भी नहीं था, इनका कसूर बस ये था कि ये अपने हालात के मारे हुए थे। ये सोच रहे थे कि वो किस तरीके से अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, और इसी बीच ये कुछ फ्रॉड एजेंट के हाथ में आ जाते हैं और उनके कहने को मान लेते हैं। और इस आर्टिकल के हिसाब से कम भी तो 2 दर्जन भारतीय रशिया में फंसे हुए हैं। ये आर्टिकल पुराना है, लेकिन जो लेटेस्ट आर्टिकल्स वगैरह इसके रिगार्डिंग आ रहे हैं, उसके हिसाब से कम 50 भारतीयों को जबरदस्ती के रशिया यूक्रेन वॉर का हिस्सा बना दिया गया है। अब क्योंकि एक चीज जो किसी को भी समझ में आ जाता है वो ये है कि अगर कोई अपना देश छोड़ के, यानी कि भारत से, अगर वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में अगर जाके वो काम कर रहा है, तो ये बता रहा है कि उसका जो घर का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतना अच्छा नहीं है। और इन्हीं सब चीजों का जो फ्रॉड एजेंट्स होते हैं वो बेनिफिट उठाते हैं, और इन सभी लोगों को ये प्रॉमिस किया गया था कि ये अगर रशिया जाएंगे तो वहां पे उनको सिक्योरिटी गार्ड या आर्मी हेल्पर का इनको जॉब मिलेगा, जहां पे इनकी सैलरी लगभग इंडियन करेंसी में 3 लाख रुपए होंगे। तो आप सोचिए, कोई भी इस तरीके का ऑफर ठुकराना नहीं चाहेगा, और इमोशन में आके ये सभी लोग इन फ्रॉड एजेंट्स का वो बात मान लेते हैं। एज अ रिजल्ट ये होता है कि इनको फ्रंट लाइन सोल्जर बना दिया जाता है और बहुतों की इसमें जान चली जाती है। इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से ना तो शुयस, ना ही तो इनकी जो माता है अनीता, वो किसी का फोन या किसी भी क्वेश्चन का वो रिप्लाई कर रही है। कहने का मतलब है कि ये लोग अनअवेलेबल हो गए हैं। वहीं पे इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां पे ऐसा देखा गया है कि बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ काफी फोटोग्राफ्स वगैरह इन्होंने शेयर किया है। और जो सीबीआई ने कहा है वो ये कहा है कि शुयस दिल्ली में एक वीजा कंसल्टेंसी चलाता था, जहां से ये लगभग 180 भारतीयों को रशिया भेजा है और मोस्टली लोगों को स्टूडेंट वीजा पे भेजा है। क्योंकि रशिया, यूक्रेन या वैसे और देश जो किसी टाइम पे यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, वहां पे जनरली लोग जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। तो ये सब जो एजेंट्स हैं उनको मालूम होता है कि अगर कोई रशिया जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, तो उन्हीं सब चीजों का जो लूप होल है उसका इस्तेमाल करके इन लोगों ने, जो मासूम लोग थे, उनको रशियन आर्मी में रिक्रूट कर दिया, और बदले में ऑफकोर्स इन सभी को पैसे मिले होंगे। और शुयस ने जो वीजा कंसल्टेंसी फर्म को वो चला रहा था, उसका जो वेबसाइट था वो भी अब फंक्शनल नहीं है। तो अगर आप प्राइमा फेसी देखेंगे तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो इस मामले में है। हालांकि मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप द इंडियन एक्सप्रेस का अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको भी इतना सा चीज समझ में आ जाएगा। और इनफैक्ट जो कंपनी को रजिस्टर किया गया है वो दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव एड्रेस पे किया गया है, और जब द इंडियन एक्सप्रेस की टीम वहां पे जाती है तो मालूम पड़ता है कि वो एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जहां पे कोई भी ऑफिस नहीं है, और उन सब एरिया में या वहां के जो लोकल लोग थे उनको कभी भी इस ऑफिस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं था। तो यहां से एटलीस्ट एक चीज तो समझ में आता है कि जो एड्रेस यूज किया गया था या जिस तरीके से जो फोन नंबर वगैरह थे या अभी जिस तरीके से इनका जो वेबसाइट है वो फंक्शनल नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि शुयस, इसके साथ और भी इनफैक्ट बहुत सारे लोग होंगे जिसका कि एक बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन है, मासूम लोगों
लोगों को रशियन आर्मी में रिक्रूट करने का। उसके अलावा भी एक और नाम आ रहा है जिसका नाम है फैजल खान, और ये यूट्यूब पे एक चैनल चलाता है बाबा व्लॉग्स के नाम पे। ये एक एजेंट है और अगर आप इसके चैनल पे जाते हैं तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये लोगों को जॉब या जॉब रिगार्डिंग जो फैसिलिटीज होता है वो देता है। तो जितने भी जो मासूम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, बेवकूफ बनाने वाले जो एजेंट्स थे ये सब काफी पुराने थे, क्योंकि ये सब क्योंकि काफी पुराने थे इसलिए इनका जो कम्युनिकेशन था वो काफी कन्विंसिंग होगा। एज अ रिजल्ट मासूम लोग इनके हत्थे चढ़ जाते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगी तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।